आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील एमकेश्वर राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर में कुमारी अंकिता भंडारी के साथ घटित प्रकरण के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी वैभव प्रताप सिंह द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों व समाचार को संज्ञान लेते हुए इस संबंध में पूर्व में उप जिलाधिकारी एमकेश्वर की आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उप जिलाधिकारी एमकेश्वर से प्राप्त अद्यतन जांच आख्या के अनुसार क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला दो तहसील एमकेश्वर वैभव प्रताप सिंह के संबंध में संज्ञान में आया कि पटवारी को दिनांक 19 सितंबर को कुमारी अंकिता के गुमशुदगी की जानकारी प्राप्त हो गई थी। फिर भी संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा इस संबंध में ना तो उच्च अधिकारियों को गुमशुदगी की सूचना दी और न ही इस संबंध में कोई अग्रिम कार्रवाई की। जांच आख्या से यह भी सूचना प्राप्त हुई कि वैभव प्रताप सिंह राजस्व उप निरीक्षक ने कुमारी अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की जानकारी उनके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी को 19 सितंबर को दी थी। इसके उपरांत भी संबंधित राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सिंह के द्वारा इस संबंध में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उच्च अधिकारियों को कोई जानकारी भी नहीं दी गई। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी अवकाश पर चले गए जिलाधिकारी द्वारा वैभव प्रताप सिंह राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला दो के द्वारा की गई घोर लापरवाही और अपने कर्तव्य के निर्वहन में दिखाई गई असंवेदनशीलता को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और तहसील खड़ी सैड में संबद्ध करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। साथ ही इस प्रकरण में गहन और विस्तृत जांच के लिए उप जिलाधिकारी लेंस डाउन को जांच अधिकारी नामित किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तहसील एमकेश्वर क्षेत्र में राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर में जो ये प्रकरण संज्ञान में आया था, इसके उपरांत जिस पटवारी के द्वारा अभियुक्त के FIR को दर्ज किया गया सर्वप्रथम, और उसके पश्चात जो है परिवार के साथ में परिवार की जो FIR का अनुरोध था उसको स्वीकार नहीं कर किया गया तत्काल शीघ्रता से, और इस गंभीर प्रकरण में उन्होंने जो है लापरवाही अपने कार्य में की है। इस संबंध में पूर्व में मैंने जो प्रभारी पटवारी थे विवेक कुमार उनको निलंबित किया था, उसके पश्चात जो है इस प्रकरण की गंभीर मामले को देखते हुए उप जिलाधिकारी एमकेश्वर से इसकी आख्या प्राप्त किया गया और आख्या में इस बात का हमको सूचना मिल रही है कि जो वैभव प्रताप सिंह है ये 19 तारीख को क्षेत्र में ही थे और इनके द्वारा जो है इस प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात ये अवकाश पर चले गए और इनके द्वारा इस प्रकरण की सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दिया गया और ना ही कोई प्राथमिकी इनके द्वारा दर्ज किया गया। हालांकि इन्होंने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि 19 तारीख को इन्होंने अंकिता के पिताजी को उनकी गुमशुदगी के बारे में अवगत कराया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज न किया जाना और बिना विधिवत स्वीकृति लिए अवकाश पर चले जाना उनके कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है और इस गंभीर प्रकरण में उनकी भूमिका के ऊपर भी सवाल उठाता है। इसको देखते हुए हमने जो पटवारी थे वैभव प्रताप सिंह उस क्षेत्रीय पटवारी को निरस्त कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। विभागीय कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी आरोप तय होंगे उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।